अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचा के रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन और शब जुमा में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह सुबहाना ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, ख़ासतौर पर जुम्मे को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बस अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त, देखते हैं कि किस तरह से बनता है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मैंने लिया है ये 800 ग्राम के बराबर, यानी 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा है। और पालक मैंने लिया है 1.5 किलो के बराबर, क्योंकि ये काट पीट के थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो ये इस तरह से फिर 1 किलो ही बचा होगा ये। और ये लहसुन अदरक है, ये मैंने लिया है ये, इसको एक पूरी पोती अदरक लहसुन की लिए, और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लेके इस तरह से कूट लिया है। दही मैंने लिए है इसमें 125 ग्राम, यानी आधा पाव। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं, प्याज मैंने छोटे साइज़ के लिए 2 अदद, और कुटी मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं, और पिसा हुआ धनिया जो लिया है मैंने 2 टीस्पून भर के लिया है, ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ये सारा गरम मसाला है, इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और छोटी इलायची है। और इसको मैं पीस लूँगी, सब चीज़ों को मिला के थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके पीस लूँगी इसको। और हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और काली मिर्चें मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, नमक हसबे ज़ायके लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और चले देखते हैं किस तरह से पके गई है। आज हम कुकर में पकाएंगे इसको। मैंने तेल डाल दिया है इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर, यानी आधा पाव होगा तकरीबन। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, थोड़ी ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। प्याज मैंने बस रफली काटी है, कोई ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटी, क्योंकि कुकर में पकेगा तो खुद ही गल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कर लूँगी प्याज को, फिर दिखाती हूँ आपको। प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। और ये मिक्स गोश्त लिया है मैंने, थोड़ा सा हड्डी वाला है और थोड़ा सा बोटियाँ है। ये हड्डी वाले से ज़रा जूस वाला होता है तो मज़े का बनता है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। बस 1 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी प्याज में। लहसुन अदरक डाल देंगे इसमें, तो झटपट पकाना है बहुत जल्दी से, कोई वो उसमें कोई रूल नहीं है कि इसमें ये चीज़ डालें पहले वो चीज़ डालें। टमाटर डाल देंगे, मिर्च और पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी और काली मिर्च। और नमक का ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि पालक में वैसे ही नमक होता है। मैं इसको भून लेती हूँ 1-2 मिनट के लिए, फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखें 2 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए इसको। मैं इसमें हम पानी डाल के तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी, और इसको प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। और फिर अगर गल गया उसमें तो सही है, ना फिर मैं आगे आपको बताऊंगी क्या टाइमिंग सही, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। पर इसमें हमने अभी गर्म मसाला और दही नहीं डाली, अब इसमें पानी डाल दूंगी। बस 1 गिलास के बराबर मैंने पानी डाला, और आप अपने आप को पता होता है कि अपना कुकर आपका कितना टाइम लेगा, या बगैर कुकर के बना रहे हैं तो फिर आपको गोश्त गलने का पानी उसके हिसाब से डालना होगा। मैं इसमें उसको मैं आप सीटी वो लगा के ढक्कन इसका, और इसको रख रही हूँ 25 मिनट के लिए। पहले जब इसके अंदर गैस वो आ जाएगी अच्छी तरह स्टीम, फिर 25 मिनट के लिए टाइम लगाऊंगी। चलो ठीक है, ये देखिए तकरीबन 25 मिनट ही रखा है मैंने, और गोश्त गल गया है हमारा अच्छे से। मैं इसको मैं भुनाई कर लूँगी, और इस चूल्हे में मैंने पालक को बस 1/2 गिलास पानी डाल के बॉयल करने रखा है, तो ये बॉयल हो जाता है तो फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से पकाना है इसको। ये देखिए पालक हमारा उबल चुका है, बस मैंने इसमें ज़रा सा मतलब 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाला है। अभी जो पालक उबला हुआ है इसका पानी निचोड़ के अभी पालक हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी पालक मैं इसमें बचा लूँगी, वो मैं इसको थोड़ा सा पीस के फिर डालूँगी। तेज़ आँच करके इसको हम पानी बिल्कुल ख़त्म होने तक भूनेंगे।
ये देखें इतना जो पालक है ये मैं इसको थोड़ा सा पीस लूँगी, ये मामला वो होता है ना मामदस्ता, उसमें पीस लूँगी मैं इसको। ब्लेंडर में नहीं पीसेंगे वरना बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा वो। सात से आठ मिनट हो चुके हैं हमारे को पालक को रख भूनते हुए। अब इसमें जो हमने ये थोड़ी सी मोटी मोटी पीस ली है, देखें इस तरह से मैंने ये इमामदस्ते में कूट लिया है इसको, पालक को ये भी इसमें डाल देंगे। अब जो हमने गोश्त बना के भून के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। देखिए पालक डाल दिया मैंने, वो सालन मसाला और पालक सब चीज़ें गोश्त वगैरह सब डाल दिया है इसको। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको तेज़ आंच पे ही पकाएंगे जब तक कि ये पानी जो ड्राई ना हो जाए। और इसमें हम दही भी डाल देंगे अपना, दही को मैं फेंट लूँगी। दही से जो इसका ज़रा क्रीमी सा टेक्सचर आता है ना, मज़े का लगता है। मैं इसको मिक्स करके मैं तेज़ आंच पे अभी पकने दूंगी इसको, और एक बीच में एक दो मरतबा चम्मच भी चलाती रहूँगी क्योंकि लग ना जाए नीचे से। ज़्यादातर ये होता है ना सब्ज़ी का लगने का डर होता है, तो हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे 5 मिनट बाद। चलें ज़रा भुन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और बीच में मैंने एक मरतबा इसको चला लिया था, बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ये गरम मसाला और ज़ीरा जो था वो भून के और ये हरी मिर्ची डाल देंगे। भून के मैंने इसको पीस लिया जीरे को, और उसको जो गरम मसाला था उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसको पीस लिया है। भाई इसके अभी तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अभी थोड़ी देर में इसके अंदर ऑयल भी बहुत सारा रिलीज़ हो जाएगा। दाल से हमारा चटपटा सा पालक गोश्त तैयार है। इसको हमने घी के साथ, देसी घी के साथ सर्व किया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम चपाती के साथ, रोटी के साथ और तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी और चावल के साथ भी। ज़रूर इसको बनाइएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के दबाना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।